वेलकम टू माय दीपांकर राज यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम कैनाल का पार्ट 3 चैनल सेक्शन पार्टली कटिंग एंड फिलिंग ड्रा करेंगे। इसके लिए क्वेश्चन देखेंगे। पहले ड्रा ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए अनलाइंड चैनल पार्टली फिलिंग एंड कटिंग विथ फॉलोइंग डाटा। बॉटम विथ ऑफ इरीगेशन चैनल कितना दिया गया है? 5 मीटर दिया गया है। हाइट ऑफ बैंक एबव बेड लेवल 2.6 मीटर। डेप्थ ऑफ कटिंग 1.5 मीटर। फुली सप्लाई लेवल जो है हमारा कितना दिया गया है? 2 मीटर दिया गया है। ठीक है, इस डाटा को हम क्या करेंगे, स्केल में चेंज करेंगे। स्केल हमारा 100 का है। ठीक है, तो बॉटम विड्थ ऑफ चैनल कितना? 5 मीटर। एमएम में चेंज किया तो कितना? 5000 mm हुआ। 100 से डिवाइड किया तो 50 mm आया। ठीक है, अर्थात 5 सेंटीमीटर। निष्कर्ष निकला हमारा ये 5 मीटर डायरेक्ट चेंज हुआ 5 सेंटीमीटर में। अर्थात हमारा जितना भी डाटा मीटर में होगा डायरेक्ट किस सेंटीमीटर में। ठीक है, साइड स्लोप हमारा 1:2:1 और 1:1, 1.5:1 तीनों रेशियो का स्लोप हमें मिलेगा। ठीक है, 1:2 क्या होता है? हॉरिजॉन्टल, और 1 वर्टिकल। जो पहला होता है हमारा वो हॉरिजॉन्टल होता है, दूसरा वाला ड्रा करते हैं। यहाँ पर पॉइंट करा, ठीक है, 1.5 से 2 सेंटीमीटर ऊपर पॉइंट करा, 1.5 से 2 सेंटीमीटर नीचे। ठीक है, ये हमारा क्या कैनाल बाउंड्री हो जाएगा। फिर इसके बाद हम यहाँ से 1.5 से 2 मीटर पेड़ लगाने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, स्केल में चेंज किया कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर, 1.5 सेंटीमीटर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 100 का स्केल हमने माना है। ठीक है, तो 1.5 सेंटीमीटर यहाँ टिक किया, यहाँ से ये ड्रा कर दिए। ठीक है, यहाँ पर पेड़ बना दिए। ठीक है, अब हमारा साइड ड्रेन आ जाती है, और ड्रेन की हमें गहराई कितनी दी है? 0.45 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, पॉइंट से 0.45 आगे जाएंगे, 0.45 नीचे आ जाएंगे, तब हमारा 0.4 हॉरिजॉन्टल अगर गए तो 0.45 वर्टिकल गए, तो हमारा 1:1 स्लोप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा ये है इसे मिला दिए। फिर इसकी जो विड्थ दी गई 0.4 दिया गया है, तो यहाँ से 0.4 सेंटीमीटर आगे और बढ़ा लेंगे। फिर वही करेंगे 1:1 का स्लोप, तो 0.45 यहाँ टिक किया, 0.54 ऊपर टिक किया, और उसे मिला दिए। ठीक है, तो हमारा साइड ड्रेन कंप्लीट हो गया है। फिर 5 से 7 सेंटीमीटर तक आगे छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन रोड बनाना होता है। ठीक है, और यहाँ से हमारा ये इसकी मोटाई कितना होता है? 1.2 से लेकर 1.5 तक इस मोटाई को हम रख सकते हैं। ठीक है, तो और इसका स्लोप कितना दिया गया है? 1.5:1 का। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 1.5:1 का हमें स्लोप दिया गया है। ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। ठीक है, और ये हमारा वर्टिकल में कितना दिया गया? 1.4। ठीक है, तो 1.4 का इंटू करा देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, 1.5 × 1.4 इंटू कराया कितना आया? 2.1 हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, 1.4 वर्टिकल। अब यहाँ से पॉइंट करेंगे और 2.1 सेंटीमीटर यहाँ टिक करेंगे, और फिर 1.4 वर्टिकल यहाँ से पॉइंट करेंगे, 1.4 वर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, फिर इसे मिला देंगे तो हमारा जो स्लोप 1.5:1 का कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा क्या आता है, इंस्पेक्शन रोड होती है। ये हमारा कितना 3.5 मीटर क्वेश्चन में दिया गिवन है, तो ये इसे स्केल में चेंज किया 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से पॉइंट करें और यहाँ 3.5 सेंटीमीटर टिक कर दिए, तो हमारा क्या कंप्लीट हुआ, इंस्पेक्शन रोड कंप्लीट हुआ। फिर हमारा आगे डॉवेल बनाना होता है। डॉवेल की इसकी ऊंचाई कितनी दी है? 500 mm दी गई है। ठीक है, 500 mm दी गई है। ठीक है, और इसका स्लोप कितना दिया गया है? 1.5:1 का। इसको आधा कर दिया गया तो ये भी आधा हो जाएगा, तो 0.75, और ये कितना हो जाएगा? 0.5। ठीक है, क्योंकि हमारा हाइट ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से 0.75 आगे टिक करेंगे और 0.5 ऊपर टिक करेंगे, क्योंकि हमें डॉवेल की ऊंचाई 0.5 ही लेना है, इसलिए हमने इसको आधा किया है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पॉइंट किया, यहाँ पॉइंट किया और इसे मिला दिया, तो हमारा 1.5:1 का स्लोप कंप्लीट हो गया। डॉवेल के विड्थ जो दिया गया 0.4 मीटर दिया गया, मीटर और आगे बढ़ गए। ठीक है, 0.4 मीटर। फिर क्या करेंगे,
वही देखो जो हमने यहाँ किया था 0.75 आगे गए थे, फिर क्या किया 0.4 सेंटीमीटर जो हमने आगे बढ़ा, ठीक है, फिर वहीं से क्या करेंगे 0.75 आगे और बढ़ जाएंगे, तो हमारा जो स्लोप होगा 1.5:1 का कंप्लीट हो जाएगा, ये पॉइंट मिल जाएगा, फिर यहाँ से इस पॉइंट को मिलाते हुए नीचे बढ़ा देंगे, यहाँ तक बढ़ा कर छोड़ देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये हमारी जो लाइन खींचेंगे तो हल्के ये लाइन खींचेंगे, ठीक है, फिर ये हमारी लाइन नीचे से एनएसएल जो है, ठीक है, जो एनएसएल है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि डेप्थ ऑफ कटिंग जो हमारा दे 1.5 मीटर दिया गया है, टोटल इसकी डेप्थ कितनी है, फिसल कितना दिया गया, 2 मीटर दिया गया है, ठीक है, अर्थात हमारा अगर 2 मीटर में 1.5 घटाएंगे कितना आएगा 0.5 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 0.5, तो हमें ये ज्ञात होता है कि इस लाइन से क्या करेंगे 0.5 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन ऐसे हल्के ड्रा कर देंगे, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, और ये लाइन को आगे बढ़ाएंगे और ये लाइन जहाँ पर काटेंगी, ठीक है, वहाँ से पॉइंट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमारा क्या होगा, बर्म स्टार्ट होगा, ठीक है, बर्म पार्टिकल कटिंग फिलिंग के लिए कितना होता है, 2D होता है, और डी हमारा कितना दिया 2 मीटर, इंटू कराया 2 × 2 कितना हो 4 मीटर, यहाँ पॉइंट करेंगे 4 सेंटीमीटर यहाँ तक टिक कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक टिक करने के बाद क्या करेंगे, फिर देखिए क्या करेंगे, अब हमारा जो इसका स्लोप होता है, ठीक है, कैनाल का, तो कितना होता है 1:1 का होता है, और ये हमारी टोटल हाइट कितनी दी है 2 मीटर दिए गए, हमें स्केल कितना चाहिए 1:1 का, और हाइट हमारा कितना 2 दी गई है, अर्थात इसमें क्या है 2 का गुणा करा दिया, इसमें भी 2 का गुणा करा दिया, 2:2 बन गया ना। तो अब यहाँ पॉइंट करेंगे 0.1 सेंटीमीटर आगे जाएंगे और 0.1 सेंटीमीटर पीछे चले जाएंगे, ठीक है, अभी क्यों गए इसका देखो आगे यूज पड़ेगा, ठीक है। वहाँ यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 2 गए, और यहाँ से नीचे आ जाएंगे, यहाँ पॉइंट करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम मिला देंगे जा करके, ठीक है, यहाँ तक तो हम लाइन खींचेंगे, और यहाँ से ऊपर जितनी ये लाइन है इसे डॉटेड खींचेंगे, और यहाँ से फिर फुल लाइन खींचेंगे, और ये इतनी लाइन जो है ये हमें डॉटेड ही लाइन खींचना है, ठीक है, क्योंकि हमें दिखेगा नहीं इसलिए, ठीक है। अब हमारा जो आफ्टर सिल्टिंग जो होता है साइड स्लोप 1:2:1 का हो जाता है, ठीक है, आधा हो जाता है, ठीक है। तो अब हमारा देखेंगे यहाँ से इसकी हाइट कितनी दी है 1.5 मीटर, हमारा स्केल कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ये वर्टिकल हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल, और हाइट हमारा कितना दिया गया 1.5, तो ये भी हो जाएगा 1.5/2 अर्थात 0.75। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से जहाँ मैंने कट किया है इस लाइन को एनएसएल को, यहाँ से 0.75 आगे टिक करेंगे, ठीक है, और इसके बाद इसे यहाँ से मिला देंगे, तो हमारा 1:2:1 का स्लोप प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से हम जो हमारा बेड विड्थ दिया गया कितना दिया गया 5 मीटर, स्केल ने चेंज किया 5 सेंटीमीटर, यहाँ से पॉइंट करेंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये लाइन हमारी जो डॉटेड है इसे आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद फिर क्या करेंगे, हमारा वही स्लोप 1:1 का चाहिए, और हाइट हमारा यहाँ तक कितना 2 मीटर दिया गया है, ठीक है, तो इसके नीचे 2 सेंटीमीटर यहाँ टिक किए, और फिर 2 सेंटीमीटर ऊपर टिक किए, फिर इसको और इसको मिला दिए, तो हमारा स्लोप 1:1 मिल गया, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, फिर हमारा ये इसकी हाइट वही सेम प्रोसेस 1.5 मीटर वर्टिकल है, तो यहाँ से क्या करेंगे 0.75 आगे टिक करेंगे, ठीक है, और ऊपर 1.5 सेंटीमीटर टिक करेंगे जा करके, ठीक है, और यहाँ से सीधे फिर क्या करेंगे इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, तो ये हमारा आफ्टर सिल्टिंग 1:2:1 का स्केल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इस लाइन को हम आगे तक बढ़ा देंगे, ठीक है, फिर यहाँ से हमारा क्या होता है, ठीक है, यहाँ से आगे बाद इसे यहाँ तक बढ़ा देंगे, ठीक है, और हमारा इस पॉइंट से ये जो पॉइंट है यहाँ से बर्म स्टार्ट होता है, बर्म हमारा कितना दिया 2D का मतलब 4, तो 4 सेंटीमीटर यहाँ से 4 सेंटीमीटर टिक कर लेंगे जा करके, ये हमारा डॉटेड होगा यहाँ तक, ठीक है,
इसके बाद ये हमें लाइन ड्रा कर देंगे, तो ये हमारा बर्म 2D कंप्लीट हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारा स्पॉइल्ड बैंक बनाना होता है, इसकी हाइट कितना दी गई है 2.6 मीटर, बेड से इसके बेड लेवल से कितना दिया 2.6। तो अब हमें देखिए यहाँ यहाँ से यहाँ तक कितना है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 0.5, तो कितना हुआ 2 मीटर कंप्लीट हुआ यहाँ तक। ठीक है, और हमारे बनाना कितना है 2.6, तो हमारा इसके ऊपर ये जो हाइट इसके यहाँ से ये हाइट, ठीक है, ये कितना बचा जा करके 1.1 बचा जा करके ना, क्योंकि हमारा 1.5 नीचे का यहाँ से यहाँ तक हो गया ये। ठीक है, और यहाँ से यहाँ 0.5 हो गया, तो ये 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमारा 2.6 में शेष कितना बचा 0.6, अर्थात ये हमारा 2.6। तब यहाँ से हमारा इसकी हाइट जो दिया गया है कितना दिया गया 0.6 दिया गया है। ठीक है, और हमारा स्लोप कितना देना है 1.5:1 का। ठीक है, तो ये हमारा वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये हमारा 1 नहीं चाहिए 0.6 चाहिए, तो हम 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 का, तो इधर भी हमारा 0.6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.9 हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और 0.6 वर्टिकल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 0.9, ठीक है, सेंटीमीटर क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट टिक करेंगे और 0.6 ऊपर टिक करेंगे यहाँ, फिर इसके बाद यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे, तो 1.5:1 का हमारे स्लोप प्राप्त होगा स्पॉइल बैंक का। ठीक है, और स्पॉइल बैंक का हमारा वेट कितना दिया गया 2.2 मीटर, स्केल ने चेंज किया 2.2 सेंटीमीटर, यहाँ टिक करें और 2.2 आगे टिक करके इस लाइन में ड्रा कर लिए। ठीक है, अब हमें नीचे भी वही स्लोप चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से जो जैसे चढ़े थे ऊपर, ठीक है, इतना करके कितना 0.9 आगे बढ़ करके 0.6 ऊपर गए थे, अब यहाँ से क्या करेंगे 2.2 सेंटीमीटर जो हमारा सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ से 2.2 सेंटीमीटर आगे टिक कर लेंगे और फिर 0.9 जो इधर बढ़ाया था वही 0.9 सेंटीमीटर यहाँ कर देंगे, इसके बाद इस यहाँ से ऐसे नीचे मिलाते हुए NSL में मिला देंगे जा करके। ठीक है, फिर यहाँ से साइड छोड़ेंगे कितना 5 से 7 सेंटीमीटर तक। ठीक है, इसे छोड़ करके हमें साइड ड्रेन बनानी होती है, 1.1:1 का स्लोप चाहिए। ठीक है, और साइड ड्रेन में इसके हाइट कितने दिए गए 0.45, तो क्या करेंगे यहाँ से 0.545 टिक करेंगे और नीचे भी टिक करेंगे और मिला देंगे। ठीक है, इसके विड्थ कितने 0.4, यहाँ से 0.4 सेंटीमीटर आगे टिक करेंगे, फिर वही सेम प्रोसेस 0.45 0.45 इसे मिला दिया। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 1.5 से 2 मीटर होता है, फिर यहाँ से 1.5 से 2 1.5 सेंटीमीटर मैंने माना, तो यहाँ से ये टिक कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ से 1.5 से 2 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ा दो और नीचे बढ़ा दो, तो हमारे क्या कैनाल बाउंड्री बन जाएगी। अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप लोग पूरा वीडियो को देखने की कोशिश किया करें। थैंक्स।